ब्लैकबोर्ड पे और व्हाइट व्हाइट बोर्ड कब पढ़ाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा। थोड़ा आपको सपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो शेयर कर दीजिए, और बच्चे जुड़ जाएंगे हमारे साथ, ठीक है? तो उनके अंडर जो मेंबर है, कितने मेंबर है? 189 मेंबर है, मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर 189 मेंबर है, ठीक है? और वन एक इनका शाखा है, IBRD, इंटरनेशनल बिजनेस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, ठीक है? ये एक लोन देता है किसको ना, डेवलप कंट्री देता है, डेवलपमेंट कंट्री। जो डेवलप कंट्री मतलब इकोना एक जो जिस कंट्री के पास इकोनॉमी ज़्यादा मतलब बेहतर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उनको डेवलपमेंट कंट्री कहते हैं। डेवलपमेंट कंट्री को IBRD, इंटरनेशनल बिजनेस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने इसको लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? किसको? डेवलपमेंट कंट्री को लोन प्रोवाइड कर रहा है। और आता है IDA, बात आता है IDA। इन्होंने पोर कंट्री मतलब सूडान, साउथ सूडान, ये इनका इकोनॉमिक हालात अभी, सोमालिया, इनका इकोनॉमिक हालात फिलहाल अभी थोड़ा अंडर कंट्रोल है, मतलब सिचुएशन थोड़ा मुश्किल है इनके लिए। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो IDA IBRD दोनों डब्ल्यू बैंक का अथॉरिटी है, मतलब ब्रांच है, ठीक है? इन्होंने IDA ने क्या है, पुअर कंट्री को इन्होंने लोन देते हैं IDA, ठीक है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने पुअर कंट्री को लोन देते हैं। और जो मोटो होता है WHO का, मोटो मोटो क्या होता है ना, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री प्रॉपर्टी। मोटो क्या होता है, वर्किंग वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ प्रॉपर्टी, फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब वर्ल्ड के लिए हम काम करेंगे और पॉवर्टी को वर्ल्ड से फ्री कर देंगे, ठीक है? एक बात याद रखना, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने ट्विन से मतलब ये जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इन दोनों का आविष्कार हुआ था, ठीक है? अब बात आता है छठा न्यूज, बेहतरीन बेहतरीन न्यूज लेके आऊंगा, ठीक है? कब डेवलपमेंट हुआ था, कब कैसे, IDA के अंदर 173, मैंने लिखा नहीं, आगे पॉइंट लिख दो, IDA के अंदर 173 कंट्री मेंबरशिप इनके पास, वर्ल्ड बैंक पास कितना है, 189, ठीक है? वर्ल्ड बैंक पास 189 नहीं, सॉरी गलत मैंने किया, ये वर्ल्ड बैंक के नहीं, IBRD, इंटरनेशनल बिजनेस रेगुलेटरी डेवलपमेंट के अथर के अंडर 189 मेंबरशिप है, और IDA के अंदर 173 कंट्री फिलहाल अभी है, ठीक है? मोटो चला गया। और MD CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर अंशुला कांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा हिंदुस्तानी आदमी है अंशुला कांत, ठीक है? मिटाता हूँ भाई छठा न्यूज। सिक्स्थ न्यूज क्या होता है, सिक्स्थ न्यूज, हाँ ये वर्ल्ड बैंक का न्यूज है, 400 मिलियन डॉलर गंगा सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, सेकेंड नेशनल गंगा रिवर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के साथ 400 मिलियन डॉलर एक MOU साइन किया है, ठीक है? ये सब चीज नेशनल मिशन क्लीन गंगा, नेशनल मिशन क्लीन
ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है नेशनल क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, नमामि गंगा प्रोजेक्ट, ये सब चीज इसके अंदर आता है। मतलब ये प्रोजेक्ट लेके आता है, काम भी ये कराते, सैलरी वगैरह सब कुछ देते हैं, मतलब इनके अंदर जो भी काम करते हैं। ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, सेकेंड नेशनल गंगा रिवर प्रोजेक्ट। आप बताए पहला कौन है? पहला नमामि गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके अंदर सेकेंड नेशनल गंगा रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, वो जो गंगा मैया को साफ करते हैं, मतलब जो गंगा रिवर होता है, जो वो मतलब जो पानी जो वाटर पोल्यूशन होता है उनका साफ करने के लिए वो भी प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, 400 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट। वो जो ये मतलब ये मिशन नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सीईओ जो नेशनल मिशन क्लीन गंगा का सीईओ राजीव रंजन मिश्रा, कौन होता है? राजीव रंजन मिश्रा जी, इन्होंने इस एक अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल मीन मिशन क्लीन गंगा, मतलब NMSCG, NMCG नेशनल मिशन क्लीन गंगा, ये एक अथॉरिटी है, इनका सीईओ है राजीव रंजन मिश्रा। ठीक है, खत्म। अगली न्यूज देखेंगे, अगली न्यूज क्या है? इस सिक्स्थ क्या सेवेंथ आएंगे? हाँ सेवेंथ, सेवेंथ न्यूज एक यूरोपियन मार्केट है। आप सबको मार्केट पता है, एशिया मार्केट, यूरोपियन मार्केट, ये बहुत डेवलप है। इन्होंने क्या किया ना, 6,000 टन ऑफ प्लेट्स ऑर्डर, 6,000 टन प्लेट, प्लेट पता है ना आपको, जो लोहे का प्लेट ऐसे ऐसे गोल गोल कर, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल कर लोहे के प्लेट ऐसे, इसके अंदर ज्यादा मतलब बहुत सारा प्लेट होगा, ऐसे करके 6,000 टन प्लेट्स। ठीक है, ऐसे 6,000 टन प्लेट्स इन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया किसको? राउरकेला स्टील प्लांट, किसको? राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है, राउरकेला स्टील प्लांट इसको ऑर्डर किया है। ठीक है, अब एक एक कर पढ़ेंगे, राउरकेला स्टील प्लांट, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मतलब राउरकेला स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जाता है, मतलब इनके अंदर राउरकेला स्टील प्लांट काम करते हैं। अब बात आता है राउरकेला स्टील प्लांट कब गठित हुआ, 1965 में वेस्ट जर्मनी के हेल्प में, किसकी हेल्प में? वेस्ट जर्मनी के हेल्प में, उड़ीसा स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक राउरकेला टाउन है, उसके टाउन में राउरकेला स्टील प्लांट है। ठीक है, तो ये चीज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जाते हैं, कौन? राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, उड़ीसा के अंदर 1965 में वेस्ट जर्मनी के मदद से राउरकेला स्टील प्लांट गठित हुआ था। ये आप पढ़ेंगे जो पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में आप ये चीज पढ़ेंगे, ये बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड फोर्थ पंचवर्षीय योजना में गठित हुआ था। ठीक है, अब ये जो होता है ना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं किसको? स्टील प्लांट को, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अभी अभी भी पढ़ा था फोन पे का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? फ्लिपकार्ट है थे, क्योंकि फ्लिपकार्ट में जो चीज आप खरीदेंगे फोन पे जरिया में इसका पेमेंट करेंगे, मतलब फोन फ्लिपकार्ट के अंडर फोन पे होते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट होता है फोन पे का पेरेंट कंपनी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन,
वो जो राउरकेला स्टील प्लांट है उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर राउरकेला स्टील प्लांट, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, सब कुछ पड़ा हुआ। ठीक है, अब बात आता है बोकारो स्टील प्लांट, इसको मिटाता हूँ। ये चीज मिट गया, आप तकलीफ नहीं लेंगे, थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप देख लें। अब बात आता है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट ये कब गठित हुआ ना, ये 1964 में गठित हुआ। ठीक है, कब कहाँ पे, न झारखंड में, झारखंड में गठित हुआ विथ हेल्प ऑफ रसिया। किसके हेल्प में, रसिया के हेल्प में। ठीक है, झारखंड में गठित हुआ। फिलहाल अभी तो झारखंड नहीं थे, ये बिहार के साथ मिलकर है। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो अभी जो बच्चा है, मतलब अभी जो है वो झारखंड में है। ठीक है, इसके दुर्गापुर स्टील प्लांट अभी देखेंगे, दुर्गापुर इसके रिलेटेड। ठीक है, राउरकेला मतलब ये सब स्टील अथॉरिटी इंडिया के अंडर में जाते हैं। स्टील अथॉरिटी पता है आपको, ये मान लो ये स्टील अथॉरिटी, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, इसके अंदर आता है राउरकेला स्टील प्लांट, ये चीज इसके अंदर बोकारो स्टील प्लांट, इसके अंदर दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट अभी पढ़ेंगे, दुर्गापुर स्टील प्लांट क्या है। ठीक है, दुर्गापुर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल विद हेल्प ऑफ यूके। किसके हेल्प में, यूके के हेल्प ऑफ यूके। अब काल परसों बोला था यूके चार कंट्री लेकर, यूके होता है स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम गठित हुआ, जिनका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, अब ये चीज न्यूज में है। अभी बात आता है लार्जेस्ट, मैं जो जो बोल रहा हूँ नोट करके लिखना है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, स्टील इन वर्ल्ड कहाँ पे ना, आर्कियर मित्तल, आर क्यूअर मित्तल, मित्तल जिनका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग, मतलब लग्जमबर्ग देश में, अफ्रीकी अफ्रीकी कंट्री। ठीक है, लग्जमबर्ग कंट्री में सिचुएटेड है। ठीक है, और दूसरे देखेंगे भिलाई स्टील प्लांट, वो भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ये एक ही न्यूज में है। ठीक है, आठ नंबर न्यूज, भिलाई स्टील प्लांट ये कब गठित हुआ, 1955 में हेल्प ऑफ यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोसाइटी ऑफ रशिया। ठीक है, अब बात आता है नवा न्यूज मतलब नाइन्थ, इंडिया फर्स्ट लीचेन पार्क इन मुनसरी। लीचेन आपको पता है, लीचेन एक अलगाई है। ठीक है, क्या है, एक अलगाई है लीचेन, ये मतलब ये पानी के ऊपरी भाग में होता है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर एसिड बेस
एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इनका काम मतलब इंडिकेट करता है कितना एसिड लिटमस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ये इंडिकेट मतलब लिटमस सॉल्यूशन के लिए ये एक इंडिकेट करते हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है। कहां से डेवलप हुआ? डेवलप मतलब ये लीचेन पार्क, ठीक है, कहां से? मुनसरी, मुनसरी कहां पे? ये मुनसरी उत्तराखंड, कहां पे है? उत्तराखंड, जिसका कैपिटल डेहराडून है। विंटर का समर का मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये लीचेन एक अलगाई है, और अलगाई और इनके जो फंजी कबक, इनके दोनों अलगाई और फंगी दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच रखते हैं। कौन? अलगाई और फंगी, ठीक है। अब बात आता है डेढ़ एकर एरिया में, 1.5 एकर एरिया में ये पार्क सिचुएटेड है, ठीक है, ये पार्क सिचुएटेड डेढ़ एकर एरिया में पार्क सिचुएटेड है, ठीक है। तो हाँ, ये जो लीचेन ये के तो इंडिकेटर है, और एक महत्वपूर्ण काम करते हैं कि अगर जो पानी में अगर पॉल्यूशन होगा वो पानी के ऊपर जो लीचन है उनका जो कलर चेंज हो जाएगा, तो इसी कलर चेंज को देख के हम बोल देते हैं कि ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, मतलब पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये लीचन भी एक महत्वपूर्ण हमका एडवांटेजेस है, ठीक है। अब वर्ल्ड में 20,000 स्पेसीज किसका? लीचन का, वर्ल्ड में। और टू सेवन वन फॉर इंडिया में स्पेसीज लीचन का वर्ल्ड में पाया जाता है, और 271 फॉर स्पेसीज इंडिया में पाया जाता है, और 600 स्पेसीज ये उत्तराखंड में है। तो ये कहां पे है ना? मुनसरी उत्तराखंड में एक डेढ़ एकर एरिया का पार्क है, लीचेन पार्क है ना, ठीक है। इनका एक स्पेसीज, वन ऑफ द स्पेसीज ऑफ लीचेन क्या है? झूला घास, झूला घास जो हैदराबादी बिरयानी है, मुंह में पानी आ जाएगा अभी सुन के, ठीक है, हैदराबादी बिरयानी खुशबू लाने के लिए झूला घास का यूज करा जाता है, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया जो मांसाहारी पानी, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो जो नॉन वेजिटेरियन खाना के लिए भी, खुशबू लाने के लिए, इत्र बनाने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम के लिए और डाइज के लिए, ठीक है, और सब मेडिसिन के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं भाई। बात आता है उत्तराखंड, शॉर्ट में ले जाता हूँ, यूके यूनाइटेड किंगडम समझ ले, मत समझा, ठीक है, यू डोंट अंडरस्टैंड। उत्तराखंड क्या होता है? नवंबर 2010 में, नवंबर 2010 में गठित हुआ, मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर सेपरेट हो गया 2000 में। कैपिटल डेहराडून है, अभी बताऊंगा आपको दूसरा कैपिटल।
देहरादून ये वाला विंटर में, ठीक है, और समर में गार्सियन, गार्सियन ये समर में कैपिटल, ठीक है। एक वाला विंटर जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जम्मू श्रीनगर, मतलब सॉरी श्रीनगर गर्मी में कैपिटल था, और कश्मीर सर्दी में कैपिटल था, ठीक है। लोक लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा 60, लोकसभा 5 और राज्यसभा कितना 3। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ठीक है, मिटा दो। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन ने एक ऑनर किसको देते हैं? केरला हेल्थ मिनिस्टर, केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलेजा जी को, के शैलेजा, के शैलेजा जी, क्योंकि COVID-19 चल रहा है, इनका बेहतरीन बेहतरीन मतलब बेहतरीन कंट्रोल करते हैं केरला का, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इनको एक ऑनर दिया, मतलब एक सम्मान का पहचान दे दिया के शैलेजा को, ठीक है। फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस लिख लेना आप यहाँ पे, क्योंकि किस वजह से दिया है, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। बात आता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945, ये सब चीज में ये स्ट्रेटेजी के, ठीक है, विधानसभा कितना है, लोकसभा कितना है, राज्यसभा कितना है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कब एस्टेब्लिश हुआ, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीएमडी कौन है, मोटो कौन है, टैगलाइन कौन है, ऐसे ऐसा पूछा जाते स्ट्रेटेजी के में, एक एक मार्क है, ये करंट अफेयर है, सबका बाप है, नॉक नॉक तेरा बाप आया, ठीक है, मतलब ये मिसाइल चीज है, ये सबका बाप है, क्यों ना की तो 10-12 मार्क पक्का आ जाएगा सब एग्जाम के लिए, मतलब सेंटर एग्जाम स्टेट एग्जाम कोई भी एग्जाम पकड़ लो, 10-15 मार्क तक पक्का आ जाएगा, ये मार्क बेसिस है, आप अगर रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे तो 10-15 पूरा का टोटल टोटल लेके आएंगे, पूरा लेके आ जाएंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं जो भी लिखता हूँ आप ध्यान से, अगर देखता हूँ तो ध्यान से वीडियो को बिना स्किप मत करके पूरा देख लेना, अगर कहीं भी स्किप कर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, वो मेरा एक्सपीरियंस कहते हैं जो भी चीज छूटते हैं आपकी पढ़ाई में वो चीज आते हैं क्वेश्चन में, पेपर में वही चीज आते हैं, तो सब कुछ पढ़ो, मैं सब कुछ आपको बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप का काम मतलब बिना समझे आग बुझकर पढ़ना, आग बुझकर पढ़ना मतलब आग खुला करके कोई भी चीज ना समझ कर पढ़ना,
किसी पर की चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये आपके लिए बेहतरीन मतलब एक मौका है। ये कब एग्जाम हुआ पता नहीं, लेकिन जो जो करंट अफेयर मैं दे रहा हूँ तो हो सकता है आपके लिए आपका पेपर में आ जाएगा, मतलब 90% मैं गारंटी देता हूँ आ जाएगा आपके पेपर में। तो बिना स्किप मत करके अभी फिलहाल हमें, हमारा चैनल 4 दिन से चल रहा है, वीडियो भी अपलोड हो रहा है, लाइव स्ट्रीम अभी नहीं आ रहे लेकिन लाइव स्ट्रीम खूब जल्दी आ जाएंगे। तो जो जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो आपको ध्यान से देख के नोट्स बनाकर उसको रिवाइज करना, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना, मतलब कमाल कर देंगे आप। 10 से 15 मार्क तो क्वेश्चन आ जाएगा पूरा, मतलब छान के आ जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यूएनए चला गया हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका, और सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी कौन होता है ना, एंटोनियो गुटेरेस, हाँ, जिन्होंने पिछले 3 करंट अफेयर वीडियो नहीं देखा, मैं आई बॉल क्लिक में क्लिक कर देना, मैं आई बॉल में डाल दूंगा, ठीक है, आई बटन क्लिक में, आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख लेना, ठीक है। बहुत मैथ का मसाला, मैथ का क्लास भी मैं लेता हूँ, आज सुबह, आज शाम को भी हो जाएगा आपको, ठीक है, आप जाके उसको देख लेना। एक क्लास मैथ का भी हो चुका है, ठीक है, उसके जाकर देख लेना। अब केरला, केरला साथ में लिखता हूँ, केरला, उनका LA LS RS, ठीक है, LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली 141, ठीक है, और लोकसभा 20, राज्यसभा 9, राज्यसभा 9, ठीक है, मिटाता हूँ भाई। नंबर 11, एक क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल, इन्होंने एक इलाइट पैनल ऑफ अंपायर, इलाइट पैनल ऑफ अंपायर, इलाइट पैनल ऑफ अंपायर किसको चुना, मतलब यंगेस्ट अंपायर जिसको कहते हैं, ये एक वोटिंग सिस्टम है, ठीक है, पोल सिस्टम, यंगेस्ट अंपायर किसको, हमारे नितिन मेनन को इन्होंने चुना है, हमारे भारत का, हिंदुस्तान का नितिन मेनन को इन्होंने चुना है। ये नितिन मेनन पिछले साल रिप्लेस, मतलब पिछले साल कौन था, किस आदमी ने थे, नाइजेल लॉन्ग, नाइजेल, आपको, आप तो क्रिकेट देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा नितिन मेनन कौन है, नाइजेल लॉन्ग कौन है, ऑलिम डार कौन है, ये तो सब पता है आपको। नाइजेल लॉन्ग को, ये इंग्लैंड का, ये बंदा ठीक है, ये मंदा इंग्लैंड का, एक पिछले क्वेश्चन मतलब जो केरला वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसके एक पॉइंट लिख लो। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आता है, आर श्रीलेखा इन्होंने पहला वुमेन डीजीपी ऑफ केरला, मैं यहां पे लिख देता हूँ, पहला वुमेन डीजीपी, ठीक है, ऑफ केरला आर श्रीलेखा, पहला वुमेन डीजीपी ऑफ केरला, ठीक है। अब बात आता है आईसीसी का, वो पॉइंट लिख लेना, जो आर श्रीलेखा केरला फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन केरला, जो पिछले वाला क्वेश्चन, मतलब जो
केरला वाला क्वेश्चन, यूएन अंडर केरला।